बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रानी मुखर्जी आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही है। रानी मुखर्जी ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनकी हैवी बॉडी और मोटी आवाज को लोगों ने खास पसंद नहीं किया, लेकिन कुछ कुछ होता में उनके वही ग्लैमरस अंदाज और मोटी आवाज के लाखों दिल दीवाने बन गए। इसके बाद रानी मुखर्जी हर जवा दिल की धड़कन बन गई। अपने करियर में रानी मुखर्जी ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी और साथ ही अपने अफेयर्स को लेकर भी चर्चाओं में रही। तो आज उनके जन्मदिन में जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। रानी मुखर्जी का परिवार फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता था। उनके पिता राम मुखर्जी एक फिल्म डायरेक्टर थे और उनकी माँ कृष्णा मुखर्जी एक प्लेबैक सिंगर थी। वहीं रानी का भाई राजा मुखर्जी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। मशहूर डायरेक्टर अयान मुखर्जी और अभिनेत्री काजोल रानी के चचेरे भाई बहन हैं। रानी ने अपनी मां के कहने पर अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1996 की अपने पिता के द्वारा बनाई गई बंगाली फिल्म बियरफुल से की। बाद में यही फिल्म हिंदी में राजा की आएगी बारात के नाम से बनाई गई, जिसमें रानी ने मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। रानी मुखर्जी ने 1998 में आमिर खान के साथ विक्रम भट्ट की फिल्म गुलाम में काम किया। इस फिल्म में रानी मुखर्जी के किरदार को खूब पसंद किया गया। इस फिल्म के बाद रानी मुखर्जी और आमिर खान के अफेयर्स के चर्चे खूब सुर्खियों में रहे। उसी साल रिलीज हुई रानी मुखर्जी की फिल्म कुछ कुछ होता है। कहा जाता है कि फिल्म में हस्की आवाज होने के कारण पहले रानी की आवाज को डायरेक्टर करण जौहर किसी और से डब कराना चाहते थे, लेकिन रानी मुखर्जी ने काफी मेहनत की और आखिरकार अपनी आवाज खुद डब की। रानी मुखर्जी को इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। साल 2000 और 2001 के दौरान रानी मुखर्जी ने बादल, बिच्छू, हर दिल जो प्यार करेगा, कहीं प्यार ना हो जाए, चोरी चोरी चुपके चुपके, बस इतना सा ख्वाब है और नायक, द रियल हीरो जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमजोर साबित हुई। साल 2002 में रानी मुखर्जी की फिल्म साथिया रिलीज हुई, जिसके बाद रानी मुखर्जी का फिल्मी करियर कुछ ट्रैक पर आया। साथिया के लिए रानी मुखर्जी को उस टाइम का बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। उसके बाद रानी मुखर्जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रानी ने वर्सेटाइल एक्टिंग से सबको अपना दीवाना बना दिया था। साल 2003 में ही रानी मुखर्जी ने ऐश्वर्या राय को फिल्म चलते चलते में रिप्लेस किया था और फिल्म में रानी के किरदार को खूब सराहा गया था। बाद में 2004 में रानी ने मणिरत्नम की युवा और फिर यश चोपड़ा की फिल्म वीर ज़ारा में अहम किरदार निभाया था। युवा, ब्लैक और नो वन किल जैसिका जैसी फिल्मों के लिए रानी मुखर्जी को फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। अपने फिल्मी करियर के दौरान रानी मुखर्जी के अफेयर्स के चर्चे खूब हुआ करते थे। एक समय ऐसा था जब गोविंदा और रानी मुखर्जी की रियल लाइफ लव स्टोरी मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरती थी। दोनों का अफेयर इतना गंभीर हो चुका था कि गोविंदा की शादी टूटने तक की नौबत आ गई थी और फिर दोनों ने दूरी बनाने का फैसला कर लिया। इसके बाद रानी मुखर्जी की नजदीकियां अभिषेक बच्चन के साथ बढ़ी, लेकिन जया बच्चन को दोनों का रिश्ता नागवारा था और फिर इस लव स्टोरी का दी एंड हो गया। रानी मुखर्जी ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा के साथ 21 अप्रैल 2014 को पेरिस में चुपचाप परिवार के कुछ सदस्यों की मौजूदगी में विवाह किया और इन दोनों को 9 दिसंबर 2015 में एक बिटिया भी हुई, जिसका नाम अदीरा रखा गया। कहते हैं कि रानी मुखर्जी का लकी नंबर है 21। 21 तारीख को उनका बर्थडे भी आता है। आदित्य चोपड़ा का बर्थडे भी 21 मई को आता है और उनकी शादी भी 21 तारीख को हुई थी। तो लोकमत न्यूज की तरफ से रानी मुखर्जी को ढेर सारी शुभकामनाएं।